कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग सोड़ी को उठा कर ले गए हैं उन्होंने सोड़ी का मोबाइल और पर्स लूट लिया हो? तो फिर सोड़ी फोन करेगा कैसे? हाँ लेकिन यार आज के जमाने में कहीं से भी फोन करना कौन सी बड़ी बात है? ये भी सही बात है। लेकिन मान लीजिए अगर उठा के ले जाने वाले सचमुच लुटेरे ही हो और लूटने के चक्कर में सोड़ी को बेहोश कर दिया हो तो, और भगवान ना करे कभी सर पे कोई चोट वोट लगा दी और सोड़ी की याददाश्त चली गई हो तो फोन कैसे करेगा वो? मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तूफान एक्सप्रेस में रिपोर्टिंग की थी। अच्छा, एक आदमी ऐसे ही अपने परिवार से बिछड़ गया था और उसकी याददाश्त चली गई थी। ओहो, पता है वो अपने परिवार को 14 साल के बाद मिला। भगवान, ओहो हो, यानी सोड़ी भाई 14 साल के बाद मिलेंगे? अरे भाई अब्दुल, शुभ शुभ बोल, क्या बोल रहे है भाई? हेलो, नहीं 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 चाहिए, नहीं 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 चाहिए, बराबर है, नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए बोला ना। क्या हुआ जेठालाल, क्या नहीं चाहिए? बैंक लोन। ये बैंक वाले फोन पे तो ऐसी लालच देते हैं, अगर गलती से हाँ बोल दिया ना तो मानो फोन में से निकल के अपने हाथ में रोकड़ा थमा देंगे, और बैंक में लोन मांगने जाओ तो 50 कागज मांगेंगे। फिर कहीं सोडी को बैंक वाले तो नहीं उठा के ले गए? बैंक वालों ने, मान लो सोडी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन लिया हो और लोन टाइम पे वापस नहीं दे पा रहा हो और उनको पता चला हो कि वो हमारे साथ पार्टी करने जा रहा है तो फिर उठाएंगे ही ना। नहीं 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 हाथी भाई, ये तो इम्पॉसिबल है भाई। बैंक वाले कोई गुंडे थोड़ी हैं जो सोड़ी को उठा के लेके जाएंगे ना। अरे नहीं चाहिए बोला ना। सोड़ी वापस नहीं चाहिए। एक मिनट, सोड़ी 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 का बोली है, पूछो कहाँ है वो। एक मिनट, आपने क्या बोला भाई साहब? सोड़ी वापस नहीं चाहिए। नहीं नहीं चाहिए चाहिए, कहाँ है सोड़ी? आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? ओए मैं कौन और कहाँ से बोल रहा हूँ, ये छट। सोड़ी आपके पास है? ओए तभी तो फोन किया है। एक मिनट, सोड़ी इनके पास है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू आपने फोन किया, हम सब लोग टेंशन में। अब जल्दी से अपना पता बताइए, हम लोग अब भी आके सोडी को लेके जाते। ओ, लेने आने की जरूरत नहीं है, हम खुद उसे भेज देंगे। ओ, अरे बोल रहे लेने आने की जरूरत नहीं है, वो खुद भेज देंगे। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। अच्छा भाई साहब, आप सोडी को लेके कब तक आ रहे हैं? आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, पर थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। आप बेफिक्र रहिए, जो भी गाड़ी भाड़ा होगा वो दे देंगे, ऊपर से कुछ बख्शीश भी दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप जल्दी से सोडी को लेके यहाँ आइए बस। ठीक है तो 24 लाख तैयार रखना। कितना? 24 लाख 24 लाख आप मजाक मत कीजिए भाई साहब। ओए मजाक नहीं कर रहा हूँ, सोडी चाहिए तो 24 लाख लगेंगे। अरे ये बोल रहे सोडी वापस चाहिए तो 24 लाख देने पड़ेंगे। 24 लाख? सोडी को छोड़ने के बदले में 24 लाख मांग रहा है, मतलब कि 100% सोडी को किडनैप किया गया है। जेठालाल जरा कंफर्म करो ना कि वो जिस सोड़ी के बारे में बात कर रहा है वो अपने गोकुलधाम वाला रोशन सिंह सोड़ी ही है। पूछो पूछो। अच्छा भाई साहब, आप जो सोड़ी की बात कर रहे हैं वो गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाला रोशन सिंह सोड़ी ही है ना? ओए हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाला रोशन सिंह सोड़ी, जिसकी बीवी रोशन कौर सोड़ी, जिसका बेटा गुरचरण सिंह सोड़ी उर्फ गोगी, जिसका अपना गैराज है सोडी गैराज। और कुछ बताओ महाराज? ये तो रोशन भाभी गोगी गैराज सबको जानता है। नहीं हो सकता है, जानता हो जरूर जानता हो, लेकिन इस बात का पता कैसे चलता है कि सोडी उसके पास है? क्या सबूत है उसके पास कि सोडी उसके पास है? उससे कहो कि सोडी से हमारी बात कराए तो हम मानेंगे कि सोडी वहाँ है। अच्छा सुनिए भाई साहब। हाँ सुन लिया, कौन है वो होशियार? वो हमारे पढ़े लिखे मेहता साहब है। तो कर अपना फोन स्पीकर पे और सुना मेहता को सोडी की आवाज। एक मिनट, सुना रहे सोडी की आवाज। अच्छा अच्छा, बोलो। वो जेठा प्रा,
मिनट मेरी गल सुनो, जैसा ये बोल रहे हैं वैसा करो, वरना सोडी, हेलो सोडी, और सुननी है सोडी की आवाज, प्लीज प्लीज, तो 24 लाख भरो और जितनी चाहिए उतनी सुनो। भाई साहब देखिए 24 लाख बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता? ओए बनिए की तरह भाव ऊपर नीचे मत कर। कह दिया सो कह दिया, 24 लाख नहीं दिए तो नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं हम दे देंगे, हम 24 लाख दे देंगे, आप सोडी को कुछ मत करना प्लीज। लेकिन देखिए 24 लाख रकम बहुत बड़ी है, तो जमा करने में थोड़ा वक्त लगेगा भाई साहब। ओए मुझे कुछ नहीं पता, तुम पैसों का बंदोबस्त जल्दी करो, मैं थोड़ी देर में दोबारा फोन करूंगा। अरे देवा अरे देवा, 24 लाख, अरे कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये किडनैपर ने 25 नहीं 35 नहीं 50 नहीं 24 लाख ही क्यों मांगा? वो जब भी मिले तभी पूछ लेना, फिलहाल तो हमें सोडी को छुड़ाने के लिए 24 लाख का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा ना। मेरे हिसाब से हमें उन किडनैपर्स के सामने बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। तो क्या करना चाहिए पोपटलाल? पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, भाई देखो किस नंबर से फोन आया था, हम ये नंबर पुलिस को दे देते हैं, पुलिस नंबर से उन्हें ट्रेस कर लेगी और इमीडिएटली पकड़ लेगी। हाँ 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 दिखाओ। नहीं नंबर तो नहीं है, अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है। नंबर तो कोई है ही नहीं, इस पे अननोन नंबर लिखा हुआ है। अरे फिर से उसका फोन। हेलो, एक बात कहना तो भूल गया, गलती से भी पुलिस को खबर करने की गलती मत करना। वहां तुमने पुलिस को खबर की और यहां हमने सोडी की खबर ली। अभी 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 सबसे पहला काम ये करते हैं, सोसाइटी की आपातकालीन मीटिंग बुलाते हैं। क्या बात है भिड़े, ये अचानक अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई? मेरे पापा के बारे में कुछ पता चला? हाँ रोशन ठीक ठाक तो है ना? आहो जल्दी बोलिए ना। बोलता हूँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। आहो आप सेक्रेटरी हो, सबको पता है, मेन मुद्दा बताइए ना क्या हुआ। थैंक यू माधवी भाभी। सॉरी देखिए दरअसल बात यह है कि सोडी के बारे में पता चल गया है। क्या पता चला अंकल, क्या पता चला? बोलो ना भिड़े भाई। हाँ लेकिन अरे सुनिए देखिए, सोडी का पता चला है, लेकिन पता ये चला है कि सोडी को किडनैप किया गया है। वो किडनैपर को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा। और किडनैपर ने 24 लाख रुपए मांगे हैं। लेकिन आप लोगों को पक्का यकीन है कि सोडी भाई उन्हीं लोगों के पास है? हाँ हाँ बबीता जी, उन लोगों ने मेरे फोन पे सोडी से बात भी करवाई। लेकिन जेठा भाई कभी कभी फोन पे आवाज पहचानने में गलती भी हो सकती है ना? नहीं हो सकती है, लेकिन अपने जितने भी करीबी लोग हैं जिनसे दिन रात हमारी बात होती रहती है, उनकी आवाज पहचानने में हम गलती कभी नहीं कर सकते ना। मुझे पूरा यकीन है वो सोडी की आवाज थी। हाँ तो अभी ये बताओ कि सोडी को वापस लाने के लिए क्या करना है? देखिए रकम तो बहुत बड़ी है और अपने सोसाइटी फंड में जो रकम है वो इस अमाउंट का चौथा हिस्सा भी नहीं है। हे भगवान, मुझे लगता है हमें जल्दी से जल्दी पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। नहीं नहीं अंजलि भाभी, उन लोगों ने साफ साफ कहा है कि अगर पुलिस को बताया तो हम सोडी को कभी वापस नहीं भेजेंगे। नहीं 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 नहीं, हम पुलिस को नहीं बताएंगे। मैं रोशन की लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकती। नहीं नहीं कोई नहीं करेगा, तो क्या हम किडनैपर्स के सामने झुक जाएंगे?
हाँ अगर मेरे पापा यहाँ होते तो वो किडनैपर को पैसे देने के बदले उन्हें सबक सिखाते। हम झुक जाएंगे तो पापा को अच्छा नहीं लगेगा। अरे पर लेकिन तुम्हारे पापा वही तो है। बच्चों तूफानों में अक्सर पेड़ उखड़ जाते हैं लेकिन घास बच जाती है, पता है क्यों? क्योंकि आंधी के सामने घास झुक जाती है इसलिए वो बच जाती है। उसी तरह बुरे हालात की आंधी के सामने झुकने में ही भलाई है। सही बात है। वाह बापू जी। हाँ भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस एक बार सोड़ी भाई घर पर आ जाए फिर मैं हूँ और वो किडनैपर है। देखना मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो कभी किसी का अपहरण करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। मैंने भी अमदाद के साबरमती का पानी पिया है, उसकी नानी याद ना दिला तू ना तो मेरा नाम डर टपू के पापा गड़ा नहीं। हाँ बराबर है। दया भाभी शांत हो जाइए। तो भाई ये तय रहा कि हम में से कोई पुलिस को कुछ नहीं बताएगा और अब ये सोचते हैं कि 24 लाख रुपए कैसे जमा करें। अरे उसमें मुश्किल क्या है, हम सब लोग मिलकर थोड़े थोड़े पैसे निकालेंगे तो 24 लाख जमा हो जाएंगे। तो बापूजी सही कह रहे हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंदी बूंदी से लड्डू बनता है। हम सब एक एक बूंदी जोड़ेंगे तो 24 लाख का लड्डू बन जाएगा। हाँ रोशन भाभी सब ठीक हो जाएगा। चाचा जी हाँ मैं 50,000 का इंतजाम कर सकता हूँ। शाबाश अब्दुल शाबाश। मेरे खाते में भी बैंक में 4-5 लाख पड़े होंगे। मैं भी अपने शेयर्स बेच दूं और एफडी तुड़वा लूं तो 3-4 लाख का इंतजाम हो जाएगा। 2-2.5 लाख का इंतजाम तो मैं भी कर दूंगा। मैं भी अपने प्रोविडेंट फंड से 3 लाख का लोन ले लेगा। हाँ गुड। मेरे बैंक अकाउंट में 39,520 रुपए है, उसमें से मैं 38,520 रुपए निकाल सकता हूँ। क्या 1,000 रुपए मुझे रखने पड़ेंगे? रूल के हिसाब से बैलेंस मेंटेन करने के लिए 1,000 रुपए रखने पड़ते हैं। और वो अचार पापड़ का पेमेंट आया था उसका बेरर चेक भी है ना अपने पास? हाँ तो वो कितने का है? वो 21,500 है। हाँ मतलब 38,520 प्लस 21,500 हुए 60,020। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो 60,020 रुपए दे सकते हैं। हाँ। आई अगर मैं इस सोने की कान की बाली और चेन भी बेच दे तो? हाँ साले ना। नहीं नहीं बेटा उसकी कीमत तो अनमोल है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास भी बैंक में 5-6 लाख तो है और अगर रोशन की गैराज गिरवी रखेंगे तो और पैसों का इंतजाम हो सकता है। ठीक है। मैंने अपनी शादी के खर्चे के लिए 25 की एफडी रखी है, मैं वो तोड़वा दूंगा। अरे अगर तुम 25 की एफडी तोड़वा रहे हो तो फिर तो किसी को पैसा जमा करने की जरूरत ही नहीं है, उसी में से हो गया पैसा सारा। वाह 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 पोपटलाल तुम्हारा ये बलिदान गोकुलराम हमेशा याद रखेगा। पत्रकार पोपटलाल यांचा। पत्रकार पोपटलाल यांचा। सुनिए सुनिए वो एफडी 25 लाख की नहीं 25,000 की है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बूंदी बूंदी से ही लड्डू बनता है ना? सही बात है। अब ये तो बताओ कि सोड़ी को कब और कहाँ लेने जाना है? बाबूजी वो उन लोगों ने बताया नहीं है, कहा कि फोन करके बताएंगे। उनका ही फोन है। लो नाम लिया और फोन आया। सोसाइटी जिएगा। अरे इसे क्या आशीर्वाद दे रही है तू? मेरा मतलब है कि सोसल क्यों जिएगा ये कितने पर? फोन उठा ना। हाँ हेलो। ओए 24 लाख का बंदोबस्त हो गया? हाँ हाँ पैसों का इंतजाम हो गया। बताइए कहाँ लेके आना है? 2 घंटे के अंदर अंदर मुंबई गोवा हाईवे पर। 2 घंटे के अंदर? हाँ देखिए हम लोग गोरेगांव में है तो 2 घंटा तो मुंबई गोवा हाईवे पकड़ने में ही हमको ट्रैफिक में लग जाएगा। और मुंबई गोवा हाईवे तो गोवा तक है तो उसमें एग्जैक्टली कहाँ आना है, मतलब कोई ऑन द स्पॉट तो बताइए। और उसके लिए मैं दोबारा फोन करूंगा। और हाँ पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं 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 कोई नहीं बताएगा कोई नहीं बताएगा।
देखिए कहाँ आने के लिए बोला? मुंबई गोवा हाईवे पे बापूजी, और हाईवे पे एग्जैक्टली कहाँ मिलना है वो वापस फोन करके बताएंगे। जेठालाल, उन्होंने 2 घंटे में पैसा लेकर आने के लिए बोला है? हाँ। तो फिर 2 घंटे में मैं अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा कैसे निकालेगा? 2 घंटे में तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, 2 घंटे में तो ना शेयर्स बिक सकते हैं ना FD तुड़वा सकता हूँ, ये तो बहुत मुश्किल काम है भाई। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, हम कुछ सोचते। मेरे पापा वापस कैसे आएंगे? पापा मेरे पापा कभी आएंगे? हम रोशन को कैसे बचाएंगे? शांत हो जाइए। पापा, आपके व्यापारी दोस्तों को फाइन लगाइए ना, वो आपके कहने पर तुरंत पैसे दे देंगे। दया, मैं भी अभी वही सोच रहा था। रोशन भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। मुझे टेंशन मत लीजिए। अरे वाह जेठालाल, तुम फिलहाल पैसे का इंतजाम कर लो, और जैसे हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं हम तुम्हें दे देंगे। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तुम ताकि आगे वापस उसे। ठीक है, तो फिर ठीक है, जैसे किडनैपर का फोन आएगा हम लोग वापस मिलेंगे, और कौन कौन जाएगा और कैसे जाएगा ये तय करेंगे। ठीक है? ठीक। रोशन भाभी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करो, सब कुछ होगा। अरे एक मिनट, मेरी बात सुनो। मैं एक बार फिर से सबको रिवाइज करा दूं, सोड़ी किडनैप हुआ है ये बात पुलिस को किसी भी हालत में पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, इंस्पेक्टर पांडे यहाँ। हाथी भाई, लगता है आपसे मिलने आए। मुझे? आपको ऐसा क्यों लगता है? अरे जीप उन्होंने आपके घर के पास खड़ी की है, हो सकता है उनकी तबीयत खराब है, दवाई लेने आए हो। ओ, अच्छा अच्छा, मैं देख लेता हूँ। हाँ, पेशेंट है जरा। सावन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी सर। ये क्लिनिक के सामने जीप क्यों खड़ी कर दी? अरे सर, सॉरी सर। आइए पांडे जी क्लिनिक में। क्लिनिक में क्यों? आपको चेक कर लेता हूँ। चेक तो मैं करने आया हूँ। आप डॉक्टर भी हैं? अरे नहीं नहीं आती भाई, कल रात को हमने पांडे साहब को सोडी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है ना, तो तहकीकात करने के लिए शायद आए होंगे। आप लेखक के साथ साथ पुलिस भी हैं? नहीं, क्यों? नहीं, आपने अंदाजा बड़ा सही लगाया, तहकीकात करने ही आया हूँ। आइए। जी जी। क्या क्या बात है? क्या? कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं। कोई बात नहीं। कुछ भी नहीं, और आप लोग इस तरह खिलखिला रहे हो, लगता है सोड़ी की खबर मिल गई है। नहीं, कोई खबर नहीं मिली। आप बताइए, आपको कुछ खबर मिली? हाँ, हमें एक फोन की खबर मिली है। फोन? हाँ, सोड़ी का एक टूटा हुआ मोबाइल मिला, पर उसे पता नहीं चल सकता ना कि लास्ट कॉल कौन सा था, मिस कॉल कौन सा था। अच्छा। तो अभी हालात को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है सोड़ी किडनैप हुआ है। क्यों, क्या कहते हो लेखक जी उर्फ पुलिस वाले? क्या कहूँ, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को किसी का फोन आया था पैसों वैसों के लिए? नहीं नहीं, कहा 24 लाख के लिए कोई फोन नहीं आया। लाख?
आखिर जिसका डर था वही हुआ। सोढ़ी को किडनैप किया गया है और किडनैपर ने 24 लाख रुपए मांगे हैं फिरौती के रूप में, और इतना शातिर है किडनैपर कि हम सभी को कह दिया है कि पुलिस को उसकी खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन दया भाभी के मुंह से गलती से 24 लाख की बात निकल गई है और लोमड़ी जैसे चालाक और तेज इंस्पेक्टर चालू पांडे को अंदेशा हो गया। अब हम सभी टेंशन में, सोढ़ी को वापस लाने का टेंशन, सोढ़ी के किडनैप होने का टेंशन, 24 लाख रुपयों का टेंशन, पुलिस को न पता चले इस बात का टेंशन, टेंशन बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सोढ़ी वापस आएगा, और आएगा तो किस तरह, हम सोढ़ी को कैसे वापस लेके आएंगे? कितना भी टेंशन क्यों ना हो, लेकिन आपके घरों में हंसी हमेशा बरकरार रहेगी, हर सवाल का जवाब मिलेगा हंसते हंसते। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।